हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे सूचना मिली और जौनपुर सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग आ चुके हैं। ये गांव है, ये कौन सा गांव है? भगतपुर। तो दोस्तों, एक लदुका मार्केट है, उसी के जस्ट बगल में एक भगतपुर गांव है। तो यहां पर आ चुके हैं, परिवार भयभीत है और बारिश का महीना चल रहा है। आए दिन सांप कोई ना कोई जानवर हमारे घरों में घुसते रहते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि सांप है कौन सा, क्योंकि लोग भयभीत भी हैं और एक डर भी बना रहता है। तो आइए फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं, नज़रें बनाए रखिए। खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हो सकता है वो भोजन की तलाश में निकला हो और बगल में भूसा रखा हुआ है। तो हम इस पटिया को हटाते हैं, इसी के नीचे हो सकता है वो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसे इंडियन कॉमन करैत कहते हैं। यही कॉमन करैत है भारत का, ये हर जगह लगभग पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसे हम बाहर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक खास बात ये होती है कि बगैर छेड़छाड़ की ये भागता भी नहीं और किसी को काटता भी नहीं। ये काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है। थोड़ा इसको छू के भी ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी ये भूखा हुआ है, यानी कि इसके पेट में चारा नहीं है। तो ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। चलिए अब इसे हम उठाते हैं और बाहर की तरफ धीरे से लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये बिग साइज का। तो दोस्तों, आप ये भी देखिए, इनको दिखाइए, ये रहा मेंढक और यही इसका पसंदीदा भोजन है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, एक साथ गजब की चीजें हैं। तो एक डिब्बा लाओ फटाफट से, डिब्बा। तो दोस्तों, ये स्थितियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। एक साथ इंडियन स्कॉर्पियन ब्लैक और इंडियन कॉमन करैत, दोनों अपने आप में महारत हासिल है। तो दोस्तों, ये भी भारत का सबसे जहरीला बिच्छू है, इसे इंडियन ब्लैक स्कॉर्पियन कहते हैं। तो इसके भी जब भी ये डंक मारे तो आप थोड़ा ध्यान रखें, आप भी इसके भी दर्द से निवारण के लिए, क्योंकि जब भी ये बाइट करता है, यानी कि काट लेता है, डंक मारता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कैच करते हैं। सांप को पहले कैच करेंगे, इसके बाद बिच्छू को कैच करेंगे। ठीक है सर। ये रात में निकलते हैं सब लोग। तो दोस्तों, इसे इंडियन कॉमन करैत कहते हैं। इसे हम कैच कर लिए हैं और डिब्बे में इसे पैक करते हैं। तो दोस्तों, बगल में बाथरूम है, जहाँ पर बाथरूम रहता है वहीं पर ये सांप अक्सर पाए जाते हैं और भूसा में अधिक रहता है। तो वीडियो को देखकर थोड़ा सा जानकारी ये लीजिएगा कि जब भी कभी भूसा वूसा निकालने जाइए जानवरों का चारा, तो थोड़ा वहाँ सावधान रहिएगा। तो दोस्तों, इसी को इंडियन कॉमन करैत कहते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में, यानी हमारे भारत में सबसे अधिक जहरीला ये सांप है, भारत का सबसे जहरीला सांप है ये न्यूरोडास्टिस का वेनमस स्नैक, इंडियन कॉमन करैत। गाँव में लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं बस ऐसे ही होगा, हवा ही निकल जाएगा, तमाम तरह की बातें करके और मौत को गले लगा लेते हैं। हम इसे पैक करते हैं और इन स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू को भी पैक करते हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो खतरा तो आपके साथ हो भी सकता है। ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है। एक और प्लास्टिक लाइए, हम सबको पैक करना है। तो दोस्तों, इसको हम पैक करते हैं फटाफट, समय भी कम है। प्लास्टिक की पावर हो गई, स्कॉर्पियो बहुत दिन बाद मिला है, दोनों अपने आप में। तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो देखकर इसकी गलती नहीं कीजिएगा और ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, नहीं तो खतरा हो सकता है। ये बहुत ही जहरीला सांप है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन लेने के लिए बनाया गया।
चलिए ये पानी हो गया। बिच्छू को पैक करके आपको दिखाता हूँ। तो और खरीद से नहीं और दो थाने एक और कहाँ गया उसके नीचे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हो गया और इसमें इसके नीचे। दोस्तों इसकी बाइट करने से बहुत कुछ तो नहीं, कभी कभी इंसान की मृत्यु हो भी सकती है। ढक्कन इसका कहाँ है देखना है। एक मिनट एक तो दोस्तों दो स्कॉर्पियन और एक इंडियन कम कर रहे हैं, दो सांप हो गए। चलिए ये हो गया। आप एक काम ये कर सकते हैं, इन सब ईंट को हटा के भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई सांप बिच्छू होगा तो वो भी मिल जाएगा। बिच्छू जरूरी नहीं है उसमें भी होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।